जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहते हैं आप लोग। आपका भाई कामरान आज खुद के ही रेस्टोरेंट में ये वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि मुझे जो अपडेट देनी है वो बहुत इमरजेंसी में देनी है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है उन लोगों के लिए जो हिंदी स्पीक कर सकते हैं, ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, मतलब मेरे जैसा ज़्यादा इंग्लिश बात नहीं कर सकते और मेरे जैसे कैटेगरी हेल्पर कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। 2-3 वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ बातें और भी आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहले ये भी बता दूं, ये जो मैंने अक्सर आपसे कहा करता था कि ये गेमिंग रेस्टोरेंट है, मैंने आपसे हमेशा कहा करता था कि ये गेमिंग रेस्टोरेंट है। तो आप ये देखें, चारों तरफ टीवियाँ लगी है। जब आप यहाँ पे देखें, गौर से देखें, आपको दिखता होगा फुटबॉल मैच चले ना, तो चारों तरफ आप किसी भी कोने में बैठ जाएं, फुटबॉल ही फुटबॉल दिखेगी आपको, सही है। तो ये जो है वो एक हैदराबाद में भी है, इंडिया के हैदराबाद में भी, सही है। नाम है इनका बफलो वाइल्ड विंग्स। तो दोस्तों बताना ये था कि जिनका मसदर में सिलेक्शन हुआ, चाहे वो देहरादून वाले हों चाहे वो कोलकाता वाले हैं, इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह इसका इंटरव्यू चला है, एक कोलकाता में एक देहरादून में। अब बात आ जाता है कि ऑफिस वाला जो बातें नहीं बताते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सही है। वैसे काम तो मैं भी करवाता हूँ अपने मामा के ऑफिस से। मसला ये है कि जो भी मसदर में आएंगे वो आएंगे सप्लायर में। कौन से सप्लायर में आएंगे? उन सप्लायर का नाम होगा जसूर अलिमदाद। जी हाँ, अगर आपको मोफा चेक वगैरह करना है और स्पॉन्सर का नाम वगैरह देखना है तो आप मुझे अपना पासपोर्ट नंबर सेंड करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको आपका मोफा चेक कर बता दूंगा। ये तो बात हो गई थी। जो लोग दोस्तों हेल्पर कैटेगरी में, मैंने जैसे अभी मेंशन किया कुछ देर पहले, और वो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, मतलब मेरे जैसे इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो आप लोग अलबैक में ट्राई कर सकते हैं। अलबैक का 23 तारीख को इंटरव्यू 11 बजे से ऑफिस में शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर, सिर्फ आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गया था बात। सैलरी कितना है इसमें? 1000+140 रियाल सैलरी है, तो टोटल 1140 हो गया। ओवर टाइम कंपलसरी इसमें 4 घंटे की होती है। आप अगर देखेंगे मेरे स्टेटस तो मैंने वो पे स्लिप का, मतलब कितना ओवर टाइम लेकर काम बन जाता है, उसका एक स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सएप चैट पे लगाया, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। तो अप्रोक्स आप जो है 1800-1900 लगभग कमा लेंगे, लेकिन अलबैक में वही जा सकते हैं जो हार्ड वर्कर हैं, जो 15 घंटा रोज़ काम कर सकते हैं, ठीक है। वही लोग जाकर अलबैक में ट्राई करें, क्योंकि अलबैक में जो है बहुत काम होता है। ये तो मैं अभी काम कर ख़त्म करके बैठा हुआ हूँ, अभी 2 घंटा बाद फिर हमारा टाइम ख़त्म होगा जाने का, तो 2 से 2.5 घंटा, नहीं 1 घंटा बचा है और 1 घंटा भी मैं इसी तरह आराम करूँगा। तो कभी देर भी होता है, कभी सवेर भी होता है, लेकिन अलबैक में आपको 14 घंटा मुसलसल काम करना पड़ेगा, 14 घंटा मुसलसल काम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ओवर टाइम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप लोग जाकर ट्राई करो, आप सोचो समझो, दिल और जहन इजाज़त दे आपका तभी जाना, क्योंकि ये जो गल्फ वाले मसले होते हैं ना, ये 2 साल के होते हैं। बंदे आ जाते हैं, बहुत सारे बंदे काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ और इंडिया की लाइफ में डिफरेंट है ना। आप बिल्कुल आज़ाद की तरह घूम रहे हैं इंडिया में, लेकिन जब यहाँ पे आ जाएंगे ना तो सिर्फ आप, जब आपका सेटिंग हो जाएगा ना तो सिर्फ आप काम में आएंगे, जाकर सोएंगे, खाना खाएंगे, फिर काम में आएंगे, इसी तरह आपका लाइफ गुजरेगा, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, 23 तारीख को इंटरव्यू आपको देना है अगर आप जाना चाहते हैं तो। इसका जो सर्विस चार्ज वगैरह है, चार्ज वगैरह सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। अब तो मैंने अलबैक का बता दिया, मसदर का बता दिया, और कौन सा रह गया? 25 तारीख को एक और इंटरव्यू है, कोलकाता ही में है। देखिए इस वक्त कोलकाता में काफ़ी इंटरव्यू है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपी वाले भाई भी आकर ट्राई कर सके। जो ट्राई करना चाहते हैं आकर ट्राई करें। मेरे एक दोस्त खुद आकर ट्राई किया था मसदर में, मैंने उन्हें सिलेक्शन भी हुआ उसका, मैं सब कुछ उसका आपके साथ शेयर करूँगा। मोफा नंबर, मोफा विचे में मोफा वगैरह जो हुआ वो भी शेयर करूँगा, और वीज़ा वगैरह जो स्टम्पिंग होगा वो भी शेयर करूँगा। 1 महीने में फ्लाइट भी हो जाएगी उसकी। तो 25 तारीख को जो इंटरव्यू है वो है वेटर्स का और बरिस्टा का और सर्विस क्रू का और किचन हेल्पर का। तो मैं आपको सबसे पहले सैलरी बता देता हूँ, 1200+200 वेटर में और बरिस्टा में भी और सर्विस क्रू में भी, किचन में सिर्फ 1000+200 है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वैसे आपके ऊपर है, अगर आपके ऊपर ये जॉब सूटेबल हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो भी सर्विस चार्ज वगैरह होगा सब कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। ये अपनी बात की बात थी। और इसके साथ साथ दोस्तों केएफसी का भी इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। केएफसी का कितने तारीख को चलेगा मेरे जहन से निकल गया, लेकिन 22 से 23 तारीख को केएफसी का भी चलेगा। लेकिन
हम केएफसी में, मैं केएफसी के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा सैलरी कम है, ठीक है। वो ये अलग सी बात है कि मेरे ही मामा के ऑफिस में इंटरव्यू चलेगा, लेकिन जो बातें सच है ना वो बताना बहुत ज़रूरी है। 1000+ एक टाइम का मील है, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस पर बात करना नहीं चाहूँगा। लेकिन काम क्या होता है कैप्सी वगैरह में, इसके ऊपर एक मेरा वीडियो बना हुआ है, बिल्कुल इत्मीनान सुकून के साथ मैंने बताया आपको। तो ये हो गया, बहुत सारे दुबई का भी जॉब है, बहुत सारे आपका कुवैत का भी जॉब है, तो इन सब का मैं वैकेंसी जो है टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो अब आप हमको हमसे बात कहाँ से कर सकते हैं? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप में, वहाँ पे आप अपना नाम पता एड्रेस, सबसे पहले अगर चैट करना हो, बात करना चाहते हैं, तो नाम पता एड्रेस सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे बात ही ज़रूर करूँगा, और हर किसी से बात करते हैं, क्योंकि कोई भाई का अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाया तो बुरा ना बुरा मत माने, क्योंकि बहुत सारा मैसेज पड़ा हुआ रहता है, समझ रहे ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और उसी डिस्क्रिप्शन के नीचे फिर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाएँ वहाँ पर ज्वाइन हो जाएँ, वहीं पर मैं वैकेंसी पोस्ट किया करता हूँ। और वही बंदे मैसेज करें जो इंटरेस्टेड हों, जिन्हें जाना हो। बाकी सर्विस क्रू में क्या काम होता है वो मैंने पूरा आपको दिखा दिया है, मैंने पूरा दिखा दिया, जो कुछ भी बाकी है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। और मैं खुद काम करता हूँ वो उस चीज़ का, तो इस विषय पे मैं आपको ज़्यादा अच्छा से समझा सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑफिस वाले नहीं समझा सकते, अगर ऑफिस नहीं होता तो हम लोग आते कैसे, तो कोई भी ऑफिस ख़राब नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ भी जाएँ सोच समझ के जाएँ, चाहे आप मेरे ही ऑफिस में क्यों ना आए, ठीक है। तो अभी हमारा ऑफिस का नाम जो है वो मेरे मामा के नाम पे है, और मेरे मामा की इंटरव्यू वगैरह होती है वहाँ पे, तो आप लोग कुछ भी पूछना हो आपको दोस्तों पूछ सकते हैं। बाकी बात रहा था मसदर का, तो मैंने संजर मैंने आपका भेज दिया था स्क्रीन शॉट लेके मुफा का, और फिरोज़ तुम्हारा भी मैंने मुफा का, फिरोज़ तो बहरहाल ये बोलिए कि एक दोस्त भी है, एक भाई भी है, साथ में मैंने इसी रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन अभी मसदर में आ रहा, क्योंकि मसदर का सैलरी अच्छा था, मैंने उन्हें बोला था इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और वो यूपी से आया था, और मैंने एक दो बंदा का चेक किया था, वो शायद यूपी या कोलकाता कहीं के हैं, कोलकाता के वो भी हैं, सुजीत कुमार हावड़ा के, मैं भी हावड़ा का हूँ, तो मैंने उनका भी चेक करके बता दिया था। किसी और को चेक करना तो मुश्किल नहीं है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं चेक करके बता दूंगा। बताना मुझे जिससे भी अलबेग के बारे में था, जिन्हें हिंदी स्पीक करनी आती है, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, 15 घंटा आप काम कर सकते हैं, तो जाकर ट्राई करें। और मैं पता है ये सोचता हूँ कि जितने मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं ना, 90% बंदा को चांस मिलता है काम करने के लिए मक्का के अबराज टावर में, घड़ी वाली बिल्डिंग में, और मदीना में। तो यार इस सब जगह में काम करना भी एक नसीब होता है, तो ये मैं नहीं कह रहा कि तुम लोग आ ही जाओ, सोचो समझो, दिल और जहन इजाज़त दे दबाना। सर्विस चार्ज वगैरह मैं सब कुछ आपको वीडियो में बता दूंगा। वीडियो हो गया लंबा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अपने भाई के ऊपर प्यार बनाए रखें और बहुत सारा सपोर्ट करें।